हेलो वेलकम स्टूडेंट्स सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू सब्जेक्ट दैट इज़ एडवांस वेब प्रोग्रामिंग इससे पहले भी हमारे चैनल में एडवांस वेब प्रोग्रामिंग के लिए एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ पब्लिश की जा चुकी है वो जनरली ओल्ड कोर्स जो हमारे डिप्लोमा लेवल के बच्चों का ओल्ड कोर्स था उससे रिलेटेड था तो अभी रिसेंटली हमारा न्यू कोर्स पब्लिश हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एडवांस वेब प्रोग्रामिंग के लेक्चर भी फ्रेशली अपलोड कर रहे हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली एक रिफॉर्म्ड सिलेबस है इसमें कंप्लीट जो सिलेबस है आपका चेंज हो चुका है तो चलिए एडवांस वेब प्रोग्रामिंग की जो हमारे फर्स्ट यूनिट है उसके टॉपिक्स देख लेते हैं और पहली यूनिट को हम आज कवर करने का प्रयास करेंगे सो लेट्स स्टार्ट तो यहां पे सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते क्या हैं उनके बारे में हम जानेंगे व्हाट इज़ द नीड ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उनकी जरूरत क्यों पड़ी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनके फ़ायदे क्या हैं एंड लास्ट वन व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस दैट आर दैट आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मीन्स ओपन सोर्स कोड या सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए हमने क्या क्या डिफरेंट एप्लीकेशन बनाई हैं। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो सबसे पहले तो ओपन सोर्स आप यहां पे देखेंगे कि ओपन सोर्स दो वर्ड को कंबाइन करके बनाया गया है ऐसा सॉफ्टवेयर जनरली ओपन सोर्स का मतलब होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स ओपन हो ओपन का मीन्स जो भी उसके पीछे कोड लिखा गया है वो कोड पूरा का पूरा एंड यूजर को अवेलेबल हो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जनरली सॉफ्टवेयर वर्ड में दो टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं एक तो होता है ओपन सोर्स दूसरा होता है क्लोज्ड। ओपन सोर्स का मतलब है कि जिस सॉफ्टवेयर का कोड कंप्लीटली एंड यूजर को अवेलेबल है मींस पूरी दुनिया उसके कोड को देख सकती है और क्लोज का मतलब होता है जिसका कोड मींस जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो लिखा गया है जिस जो कोड उसमें यूज किया गया है वो पूरी तरह से एंड यूजर या वर्ड के लिए अन है उसको हम देख नहीं सकते हैं तो ये दो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर या दो डिफरेंट टाइप के कोडिंग हमारे पास अवेलेबल होती हैं एक है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड है क्लोज सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स मीन्स फॉर दोज द कोड इज ओपन टू एनी वन मीन्स कोई भी उस कोड को देख सकता है एंड क्लोज का मतलब कि उसके पीछे मीन्स उस सॉफ्टवेयर को बनाने में जो भी कोड लिखा गया है उसको एंड यूजर देख नहीं सकते हैं सो बेसिकली ओपन सोर्स आपके क्लोजली रिलेटेड हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से तो ओपन सोर्स का मतलब होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये इस टाइप के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं जो कि एक लाइसेंस के अंडर पब्लिश होते हैं और इनका सोर्स कोड यूजर्स के लिए अवेलेबल रहता है मींस यूजर्स इनके सोर्स कोड को इजीली देख सकते हैं अब यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि लेट सपोज आप हमारे पास यूनिक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है अब इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सोर्स कोड है ओपन है इसको आप देख सकते हैं मगर इस कोड में चेंजेस करके आप यूनिक्स में कुछ अपडेटेड कुछ अपडेट्स या कुछ चेंजेस करके इसको क्लोज्ड बना सकते हैं और इसको अपना कॉपीराइट दे सकते हैं तो यहाँ पे जनरली अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं और चेंजेस करके उसको एज अ न्यू पब्लिश करना चाहते हैं सो इट्स अप टू यू अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सेम एज प्रीवियस सॉफ्टवेयर है तो उसमें कॉपीराइट देने का कोई मतलब नहीं बनता है जनरली पब्लिक जो ओपनली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है और फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है उसको ही यूज करेगी तो हमेशा जब भी आप ओपन सोर्स कोड वाले सॉफ्टवेयर्स को मॉडिफाई करके कुछ और देना चाहते हैं दुनिया को तो उसमें कुछ न्यूनेस कुछ नोवल्टी होनी चाहिए कुछ नया होना चाहिए तभी वो प्रोडक्ट बिकते हैं तो जैसे एग्जाम्पल मैं दूंगा हमारे पास एक वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स यूनिक्स लाइनेक्स ये हमारे ओपनली यूज मीन्स जिनका सोर्स कोड ओपन है उस टाइप के सॉफ्टवेयर है उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है अब इनको इनमें चेंजेस करके डिफरेंट कंपनीज ने अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिए हैं जैसे रेड रेडहेड है रेड रेडहेड अपना ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है जो कि फॉर द वर्ल्ड क्लोज है मगर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर है जैसे सेंटो एस है वो दुनिया के लिए ओपन है जो कम्युनिटी वर्जन है वो दुनिया के लिए ओपन है और जहां पे रेड हेड सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो दुनिया के लिए क्लोज है इसी तरीके से फेडोरा है और भी बहुत सारी कंपनी है जो जनरली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को बेचते हैं विदे गिवन सपोर्ट मींस उसका सपोर्ट आपको वो प्रोवाइड करेंगे तो यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो कॉपीराइट होल्डर होते हैं जैसे रेडहेट मैंने अभी आपको बताया तो वो एक कॉपीराइट होल्डर है रेडहेट या फेडोरा ये कंपनीज हैं जो लाइनेक्स या यूनिक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर कुछ चेंजेस करके आपको एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं मगर उनका बेस लाइनेक्स पे ही होगा तो जो भी चेंजेस रेडहेट और फेडोरा करते हैं वो जनरली उसमें कुछ नए फीचर ऐड करते हैं और एग्जिस्टिंग फीचर में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको रिजोल्व करके आपको एक नया प्रोडक्ट देते हैं नेक्स्ट है जनरली जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो ओपन फॉर ऑल होते हैं तो यहां पे जो डेवलपमेंट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का किसी भी एप्लीकेशन का वो विद द हेल्प ऑफ कोलेबरेटिव एफर्ट होता है मीन्स एक डेवलपर D1 वन सेकेंड डेवलपर D2 टू थर्ड डेवलपर D3 तो अगर आपके पास एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो D1 भी इसके बक्स सॉल्व कर रहा है D2 भी इसके बक्स सॉल्व कर रहा है एंड D3 भी इसके बक्स सॉल्व कर रहा है तो ये सब के सब D1 D2 D3 ये सब के सब एज ए कोलेबरेटर यहाँ पे कोलेबरेटिव एफर्ट डाल रहे हैं मीन्स मिल काम कर रहे हैं नेक्स्ट चलते हैं इनके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपका एंड्रॉयड गूगल द्वारा प्रोवाइड किया हुआ एंड्रॉयड सिस्टम जो आजकल सारे मोबाइल्स में अवेलेबल रहता है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ऐसे ही ओबन टू लाइनेक्स यूनिक्स ये सारे के सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं मीन्स इनका कोड दुनिया के लिए कंप्लीटली ओपन है इनके बिनीत जो भी कोड लिखा गया है उसको एंड यूज़र देख सकता है इसी की बात करें इंटरनेट ब्राउज़र तो इंटरनेट ब्राउज़र में मोज़िला फायरफॉक्स क्रोमियम ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनका सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल है अगर आई की बात करें तो विजुअल सोर्स कोड विजुअल स्टूडियो कोड एंड्रॉयड स्टूडियो पाईचाम ये इस तरह के आईडीज़ हैं जो ओपन सोर्स की कैटेगरीज में आते हैं मींस विद द हेल्प ऑफ दीज आईडीज आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं जैसे वी एस कोड के थ्रू आप जावा स्क्रिप्ट एच टी एम एल और भी मल्टीपल पी एच पी पाइथन इन सब का कोड इस पर लिख सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में आप विद द हेल्प ऑफ जावा कॉटलिन और उसके बाद जो भी फ्रंट एंड की लैंग्वेज है जिस जिसकी हेल्प से आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ जावा कॉटलिन एंड एक्सएमएल अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं ऐसे ही पाइचाम है पाइचाम में आप पाइथन के थ्रू एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं तो ये एक कुछ एग्जाम्पल हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नेक्स्ट चलते हैं अब क्वेश्चन ये आता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ी वाई इनका फायदा क्या है सो बेसिकली आइडिया कहाँ से आया इसका इसका आइडिया आया आए था टेक्नोलॉजी कम्युनिटी से मीन्स एक कम्युनिटी वेब में चल रही थी जो टेक्निकल उसमें सारे के सारे जो उसके एक्सपर्ट मेंबर्स थे वो टेक्निकल थे तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो ओपन फॉर ऑल हो मीन्स उसमें कोई भी अगर कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वो कंट्रीब्यूट कर सकता है तो कंप्यूटर्स प्रोग्रामर्स इंजीनियर्स ने मिल विद द हेल्प ऑफ कोलेब्रेशन ओपन सोर्स की नींव रखी इनका बेसिक पर्पज़ ये था कि हम कोलेबरेटिव एफर्ट इसमें डालें मीन्स मिल्क के काम करें चाहे हम किसी भी लोकेशन में हों तो लेट सपोज अगर एक प्रोग्रामर न्यू डेली में है दूसरा प्रोग्रामर बेंगलोर में है वो चाहते हैं कि वो मिल्क एक एप्लीकेशन बनाएं और जो ओपन टू ऑल हो तो ये क्या करेंगे अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए एक कम्युनिटी बनाएंगे और विद द हेल्प ऑफ दैट कम्युनिटी वो एक कलेक्टिव इनोवेशन के माध्यम से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाएंगे और अगर चाहें तो उसमें आप दूसरे डेवलपर्स दूसरे कोडर्स दूसरे प्रोग्रामर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं तो बेसिकली मेन पर्पस जो ओपन सोर्स का था वो था कोलैबोरेटिव एफर्ट मींस अगर आप फ्रीली अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप इनमें कंट्रीब्यूशन अपना दे सकते हैं नेक्स्ट है व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ ओपन सोर्स तो ओपन सोर्स की हिस्ट्री अगर हम देखें बैकग्राउंड में जाएँ तो नाइनटीन की बात है मैसाच्यूसट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में रिचर्ड स्टॉलमेन नाम का एक प्रोग्रामर था तो इन्होंने सोचा कि हमें ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जो पूरी दुनिया के प्रोग्रामर्स के लिए अवेलेबल हो तो उन्होंने विश किया और ट्राई किया सोचा कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो पूरी दुनिया में दुनिया के प्रोग्रामर उसको एक्सेस कर सकें उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकें तो इन्होंने जी पब्लिक लाइसेंस नाम से एक लाइसेंस देते हुए जी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया GNU का फुल फॉर्म होता है GNU नॉट यूनिक्स मीन्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है बट इट इज नॉट यूनिक्स सो बेसिकली इन्होंने GNU पब्लिक लाइसेंस के अंदर फ्री कोड अपना लॉन्च कर दिया और इसके अराउंड जो थ्योरी प्रपोगेट हुई उसको बोलते हैं ओपन सोर्स इनिशिएटिव जो कि 1998 में एक कम्युनिटी के तौर पे लॉन्च हुआ तो बेसिकली इन्होंने एक थ्योरी दी थ्योरी के बाद इन्होंने एक पब्लिक लाइसेंस जारी किया और इस लाइसेंस के अराउंड एक कम्युनिटी डेवलप हुई जिन्होंने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाने स्टार्ट किए ये फ्री टू ऑल होते हैं इनमें बहुत नॉमिनल कॉस्ट होती है तो यहां पे डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं तो प्राइस अगर देखें ओपन सोर्स की जो कॉस्ट होती है बहुत नॉमिनल होती है और ये जीरो कॉस्ट के होते हैं जबकि क्लोज सोर्स जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं ये बेस करते हैं स्केल ऑफ द सॉफ्टवेयर मीन्स जैसे विंडोज है विंडोज आपका एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है तो इसकी एक अपनी कॉस्ट है तो बेस्ड ऑन कौन इसको यूज कर रहा है अगर एक स्टूडेंट इसको यूज कर रहा है तो इसकी कॉस्ट कम होगी एक बिजनेस को यूज करना चाह रहा है कोई कंपनी इसको यूज करना चाह रहा है जहां पे नंबर ऑफ लाइसेंस ज्यादा हैं तो वहां पे इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी तो बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ द सॉफ्टवेयर द प्राइसिंग विल बी डिसाइडेड फ्रीडम टू कस्टमाइज ये कंप्लीटली कस्टमाइजेबल होते हैं मीन्स कोई भी इसको चेंज कर सकता है और ये डिपेंड करता है इसके लाइसेंस पे यहां पे क्लोज सोर्स में कस्टमाइजेशन की कोई फ्रीडम नहीं होती है ये सभी काम कंपनी जिसने क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर बनाया है वही करती है यहां पे बात करें यूजर फ्रेंडलीनेस की मीन्स अगर मैं मैं एज ए एंड यूजर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं और एज ए एंड यूजर एक क्लोज बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लेस यूजर फ्रेंडली होगा मीन्स अगर आप लाइनेक्स में कुछ चीज एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और सेम चीज अगर आप विंडोज में करना चाहते हैं तो विंडोज में वो आपके लिए ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगा वाई बिकॉज यहाँ पे यूजर इंटरफेस इनका बहुत बेहतरीन होता है यूजर और यहीं पे इसके अपोजिट में अगर बात करें लाइनेक्स की तो इनका यूजर इंटरफेस उतना परफेक्ट नहीं होता है मीन्स एंड यूजर के लिए ये बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं होते हैं जबकि इसके अपोज में क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली होते हैं क्यों क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए बनाए जाते हैं और प्रॉफिट जहां पे आता है वहां पे हमेशा ईज ऑफ यूज देखा जाता है अब यहां पे बात करें आफ्टर सेल सपोर्ट लेट सपोज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपने ले लिया बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे और उसके बाद आप चाहते हैं कि इसमें अगर कोई भी बग आता है उसको कंपनी सॉल्व करे तो जनरली यहां पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अगर आपको नॉमिनल या जीरो कॉस्ट पर मिलेगा तो उसका सपोर्ट नहीं होगा ऑलमोस्ट नल होगा और अगर यही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोई कंपनी आपको बेचे लेट सपोज रेड हैट सूसी या इसके अलावा कोई और कंपनी बेच रही है तो वो आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सिमिलरली क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में भी अगर आप पे कर रहे हैं क्योंकि जनरली विंडोज के लिए आप पे करते हैं तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सपोर्ट टीम्स अवेलेबल होंगी और एक आपका प्रॉपर सर्विस लेवल एग्रीमेंट बनता है मीन्स अगर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में कोई भी इश्यू आता है तो जो भी कंपनी जिससे भी आपने बाई किया है वो आपको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दे आपकी प्रॉब्लम को दूर करेगी सिक्योरिटी की बात करें तो ओपन सोर्स में जो आपके डेवलपर्स होते हैं नंबर ऑफ डेवलपर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कोलेबरेटिवी एक कोलेबरेटिव मैनर में काम करते हैं तो यहाँ पे बक्स होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं जबकि क्लोज सोर्स में पूरा का पूरा ओनस लाई करता है कंपनी पे कि कंपनी किस टाइम पे अपने बक्स रिजोल्व करवाना चाहती है वो हर महीने एक नई रिलीज देती है रिगार्डिंग टू बक्स तो ये उनके ऊपर करता है पॉपुलरिटी की बात करें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बहुत कम पॉपुलर होते हैं तो जनरली यहाँ पे मार्केट लीडर भी कम होते हैं जैसे लाइनेक्स अपाचे यहाँ पे कुछ दो चार ही मार्केट लीडर हैं जो ओपन सोर्स को कस्टमाइज करके बेचते हैं और क्लोज सोर्स की बात करें तो जनरली यहाँ पे हाई कॉस्ट हाई चार्ज रहता है और बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस होता है तो ये जनरली में ये आपकी इनकी पॉपुलरिटी बहुत हाई होती है और यहाँ पे प्लेयर्स भी ज़्यादा होते हैं जैसे एप्पल है एप्पल अपना आई देती है विंडोज़ विंडोज़ की पॉपुलरिटी भी हाई है इसके अलावा अगर आप देखें डिफरेंट और कंपनीज़ हैं जो अपना प्रोडक्ट देती हैं जो क्लोज सिस्टम के बेस पे चलते हैं नेक्स्ट बात करें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है कम्युनिटी का और यहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है क्लोज सिस्टम में वो बिल्कुल क्लोज रहती है मीन्स एक कंपनी समझिए कंपनी के एम्प्लॉज जबकि ये कम्युनिटी ओपन ओपन है इसमें आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन्हांसमेंट और न्यू फीचर यहाँ पे अगर ये डेवलपर्स ये कोलेबरेटर्स चाहें तो इन्हांसमेंट और नए फीचर ऐड कर सकते हैं जबकि यहाँ पे इन्हांसमेंट के लिए कंपनी अगर आप अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बोले कि हमें ये इन्हांसमेंट करना है तो वो इन्हांसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं वारंटी की बात करें तो ओपन सोर्स में जनरली कोई भी वारंटी अवेलेबल नहीं रहती है और यहां आपको अवेलेबल करा रही हैं बेस्ड ऑन प्राइसिंग आप एक साल की वारंटी लेना चाहते हैं पांच साल की वारंटी लेना चाहते हैं दस साल की वारंटी लेना चाहते हैं इट्स अप टू यू तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर नेक्स्ट चलते हैं एडवांटेजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो मोस्ट बेनिफिट मीन्स सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो साइड है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की वो ये है कि ये फ्री होते हैं इनका जो कॉस्ट होता है बिल्कुल जीरो होता है जीरो या बहुत नॉमिनल होता है तो इसलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में है एंड यूजर के लिए इतने पॉपुलर नहीं है मगर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं मीन्स डेवलपर चाहें तो इसमें चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग मीन्स उनको जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके वो अपनी जो भी उनको रिक्वायरमेंट है उस पर अपना कोड डेवलप कर सकते हैं ओपन सोर्स जनरली स्टेबल होते हैं ये पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मीन्स इनका कोड पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो अगर जैसा एक कंपनी चाहे उसको कस्टमाइज करके दे सकती है ये इंजीनिव फोस्टर करते हैं इसका मतलब क्या है यहाँ पे प्रोग्रामर चाहें तो अपनी इनोवेशन के थ्रू उस कोड को मीन्स एक से हंड्रेड के लेवल पर ले जा सकते हैं तो यहाँ पे अप टू प्रोग्रामर्स है कि वो कितना इनोवेशन इसमें ला सकते हैं यहाँ पे बिल्ड इन कम्युनिटी का फीचर है यहाँ पे कम्युनिटी हमेशा ग्रो करती रहती है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये बहुत ज्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है यहाँ पे अगर आप लाइन के कोड में चले जाएंगे तो अपने आप में आपको एक पूरा ओ का कोड अवेलेबल हो जाएगा और ये कोड ऐसा है कि ये बहुत सिक्योर कोड है तो इसलिए ये बहुत ज्यादा ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है अब हर चीज के कुछ ना कुछ फायदे और कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं तो आइए देखते हैं इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं जनरली हार्डर टू यूज होते हैं इनको यूज करना बहुत टफ है एंड यूजर के लिए ये थोड़ा सा ट्रिकी रहते हैं मगर टेक्निकल पर्सन के लिए ये इजी टू यूज रहते हैं तो बेसिकली इनको सेटअप करने में भी डिफिकल्टी आती है और यहाँ पे फ्रेंडली यूजर इंटरफेस की कमी खलती है यहाँ पे कंपेटिबिलिटी इशू भी आते हैं अगर लेट सपोज आपने एक सॉफ्टवेयर आप लाइन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में चाहते हैं कि मेरे सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर डिवाइसेज चल जाएँ तो वो पॉसिबल माइड भी ना हो तो यहाँ पे कम्पे इश्यूज बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर हमेशा आते हैं तो यहाँ से यहाँ पे हमेशा स्पेशलाइज्ड ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है नेक्स्ट है यहाँ पे लाइबिलिटी इशू भी होते हैं अगर लेट सपोज आपको कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और जहाँ पे उस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है वारंटी के बारे में आपको पता नहीं है कोई उसमें लीगल प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको पता नहीं है या इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है कोई कॉपी का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है उसका आपको पता नहीं है तो यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इसके अलावा यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग मीन्स यूजर को ट्रेन करने में जो कॉस्ट होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है डेटा को इम्पोर्ट करना है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में उसकी कॉस्ट और यहाँ पे हार्डवेयर को सेटअप करने की कॉस्ट तो इन सब की कॉस्ट अल्टीमेटली बहुत हाई साइड पे होती है तो ये डिसएडवांटेजेस हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अब यहाँ पे एप्लीकेशंस के बारे में देख लेते हैं एप्लीकेशन को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके कर चुके हैं तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कुछ एप्लीकेशंस कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जैसे एंड्रॉयड वन टू लाइन यूनिक्स ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके मार्केट में अवेलेबल हैं ऐसे ही इंटरनेट ब्राउज़र मोजिला फायरफॉक्स एंड क्रोमियम जिससे आपका क्रोम बना है फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट विजुअल स्टूडियो कोड एंड्रॉयड स्टूडियो पाइचाम ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके जो आ, आप आज के टाइम पे एज एन एप्लीकेशन ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देख रहे हैं तो ये आपका बेसिक्स था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में इसके अलावा और अगर आप इंडेक्स जाना चाहें तो लाइनेक्स का सोर्स कोड आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन देख सकते हैं ऐसे ही अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए बेस्ड ऑन ओपन सोर्स तो आप उबंटू की सी डी की साइट से नॉमिनल कॉस्ट पे मंगवा सकते हैं थर्टी फाइव में आती है पहले ये फ्री आती थी मगर इन्होंने अब बिग बेसिक कॉस्ट मीन्स अगर आपको सी डी प्रोवाइड करें तो सी डी की कॉस्ट कुरियर चार्जेज वो बेसिक कॉस्ट इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे आप इजीली इनको परचेज कर सकते हैं बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे और इनको यूज कर सकते हैं इनका कोड देख सकते हैं जैसे जावा है जावा की जो लाइब्रेरीज होती हैं वो पूरी तरह से ओपन सोर्स हैं तो जावा का सोर्स कोड भी आप देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें रिगार्डिंग टू सोर्स कोड मीन्स ओपन सोर्स कोड तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा वट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वट इज़ द नीड ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वाई वी आर यूजिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वट आर द एडवाटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड अल्टीमेटली वट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन अवेलेबल इन टेक्निकल वर्ल्ड दैट इज बिल्ड फ्रॉम ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी तो ये आज के लेक्चर में आपने सब कुछ देखा पढ़ा अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पी से पी क्या होती है देन पी से कैसे हम किसी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं उसके बाद हम पाइथन के बारे में भी पढ़ेंगे कि पाइथन क्या है पाइथन के बेसिक्स के बारे में जानेंगे तो ये सारी चीजें हम अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोट अपडेट्स आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में मिल जाए वीडियो को देखने के लिए थैंक्स लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में आप पुट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल भी हमारा है टी डॉट मी नॉल नेस्ट और ऐसे ही हमारी जी मेल भी है नॉल नेस्ट अगर कोई भी पर्सनल क्वेरी करियर रिलेटेड क्वेरी या कोई भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन आपका है जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप वाया मेल पूछ सकते हैं इसके अलावा ट्विटर पे भी हम हैं ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए नॉन नाम से हमारा ट्विटर हैंडल है इसी तरह से हम टेलीग्राम में भी इसी हैंड इंस्टाग्राम में भी इसी हैंडल के साथ हैं यहाँ पर हम लगातार आपको अपडेट्स एंड नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करूँगा सो वंस अगेन थैंक यू एंड पढ़ते रहिए